जाति जनजाति के लोगों के लिए महिलाओं के लिए फ्री कानूनी सहायता है, निःशुल्क कानूनी सहायता। कहाँ से? विधिक सेवा प्राधिकरण, लोगों को पता भी नहीं कि खुला हुआ। अभी सर भारत अभी जाके बता रहे हैं, लोग अदालत भी है, अभी अदालत भी लगेगी। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो कम से कम हमें एक कागज पे खुद लिख कर या किसी से लिखवा कर देना तो पड़ेगा ना, कागज इतना तो श्रम करना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई न्याय अन्याय इस प्रकार का हो रहा है। तभी वकील साहब बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं, निपटारे करते हैं, जितने केसेस आ रहे हैं कम से कम और लंबे विवाद में न जाए। यदि हम तुरंत बैठ के कोई निपटारा कर दें तो लोगों को न्याय जो है द्वार पर ही मिल जाए, ज़्यादा दूर जाना नहीं, किसी कोर्ट में जाना नहीं। सब मदद के लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन इस आलस्य को त्यागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपने संगठन को खुद बनाना पड़ेगा। काम करने वाले लोगों में अपने अंदर बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते नहीं बना पा रहे जुड़ सकते। असंगठित श्रमिक अपना संगठन बनाए। हमारे जैसे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हैं, जो भवन निर्माण में काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं, हम अपना संगठन बनाए। यही लाइन होनी चाहिए, असंगठित श्रमिक संगठन से जुड़े। लिख दो क्या संगठन बनाए। कोई बुरी बात तो नहीं कही, अच्छा लगा आपको तो कम से कम हमारे जितने भी लोग हैं, ये सारी टीम के लोग हैं, इनके लिए ताली बजा के। एक घटना था मुझे याद आ रही है। हाँ बताइए। हुआ क्या था, भीलवाड़ा में हमें फोन आया था ईट भट्टा श्रमिक यूनियन का कि हमारे यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, आप आइए। हम लोग ट्रेड की यूनियन के करीब 18 से 20 साथी हम गए थे और वहाँ ईट भट्टा में काम करने वाले सारे श्रमिक मौजूद थे, सारे बैठे थे, हमारे पंडाल में बैठे हुए थे। और ईट भट्टों के मालिक को लगा कि ये सारे यूनियन वाले कुछ कुछ गड़बड़ करेंगे, हमारा सफाया कर देंगे, हमारी रेट बढ़वा देंगे, ये इन मजदूरों को अधिकार जगा दिए तो वो चल जाएंगे, है ना, जाग जाएंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, क्योंकि उनको न तो रहने का सही स्थान था, न खाने का सही स्थान था, उनको एक तरह का गुलाम बना के रखा गया था। हम लोगों ने वहाँ मेहनत की और लोगों को समझाया तो साहब सुनो, ईंट भट्टे मालिकों ने 50 लोगों को गाड़ी भर के भेज दिया तलवारों के साथ, इनको कैसे करके दिखे। पुलिस खड़ी थी, पुलिस भी मुंह तोड़ करके खड़ी रही और उन लोगों ने कहा यहाँ से उठ जाओ, सब मजदूरों को उन्होंने चाचा भट्टे का है वो वहाँ भर के वापस भेज दिए। फिर भी हम डटे रहे, फिर वीडियो के साथ गए भीलवाड़ा में गए, मंगल साहब इन मजदूरों के साथ बहुत हिंसाएं हो रही है, इनकी सही तरह से जांच कराई जाए, जांच कमेटी बने, उनके बाद ईंट भट्टा मजदूरों की जांच हुई, साहब उनके बाद उनको बाहर भेज के निकाला, एक एक मजदूर को 2 लाख रुपए मिला, कितने मजदूर महिला को 4 लाख रुपये मिले। उन लोगों को पिछले 1 साल से बंद बना के काम कराया जा रहा था। मैं भी ऐसी संस्था का काम कर चुका हूँ, राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन के साथ, जहाँ बंधुआ तथा कभी कभी चलती और वो लगभग कैद कैद करके उनको रखते थे और मजदूरी भी लेते थे, आटा दे देते थे, चावल दे दिया, तेल दे दिया, आलू दे दिया, कुछ और दे दिया, पैसे में मजदूरी न दे ये भी अपराध है कोई। आज अगर पैसे में मजदूरी नहीं मिलती ये भी अपराध है। और ये जो इस तरह से पेमेंट लोगों को चीज़ें देते हैं ना, ये बंधुआ मजदूरी की शुरुआत है। और हम लोग नादान हैं, या तो कर्जे में डूबे हैं, या कोई समस्या से किसी वजह से हम बंधक बन गए, ये जो है ऐसे केस ना हो इसी के लिए संगठन है। चाहे वो ईंट भट्टा हो, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है, वहाँ भी मालिकों के साथ भी हमारे साथ अन्याय होता है, वो लोग भी अगर कोई काम कर रहे हो, कृषि श्रमिक कृषि से जुड़े लोग भी अपना इसमें आ सकते, मजदूरी करने वाले से जुड़े वो भी आ सकते हैं, भवन निर्माण से जुड़े इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई मैकेनिक है, कोई टाइल्स का काम करता है, कोई पॉलिशिंग का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई बड़ा है, कोई आप अपने घर में ये जानकारी रखिए, आपके घर में यदि कोई पुरुष है या कोई बच्चे हैं जो और पास अड़ोस पड़ोस के लोग हमको जितनी बातें पता चली है बता के आपको समझा के जा रहे हैं। एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, बार बार आते हैं आप यहाँ भी, कई साल से मैं कल तीसरी चौथी मीटिंग में तो मैं यहाँ हूँ, सामने में मीटिंग में ध्यान होगा, वहाँ भी मीटिंग में वहाँ भी यहाँ भी दूसरी तीसरी मीटिंग के अलावा थोड़ा और आगे भी मीटिंग है, इसलिए कोई लोग अपना फायदा सोच अब घूमने जा रहा है ऐसा कोई गांव बाकी नहीं, बस सब जगह गए साहब पूरा आपके गाँव में।
जुड़ सकते हैं, दामा जी के लिए जुड़ सकते हैं और गुरु के आप